तो दोस्तों इस कार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मोबाइल की बैटरी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक लॉलीपॉप की स्टिक, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी मैं इसे सुपर ग्लू की मदद से इस बैटरी के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक टेप की मदद से इसे लपेट लूंगा ताकि ये मजबूत हो जाए। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक साइकिल का स्पोक और इसके ऊपर मैं सेलो टेप लपेट रहा हूँ। ये सेलो टेप मैंने लपेट के हो चुका है और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा गियर। इस गियर को मैं साइकिल के स्पोक में कुछ इस तरीके से अटैच कर दूंगा और सुपर ग्लू की मदद से इसे फिक्स कर लूंगा। तो जल्दी से इसे इसके अंदर लगाते हैं। और अब यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों दो बॉटल कैप्स, जैसा कि आप देख सकते हो इसके बीच में मैं ठीक बीचों बीच होल कर रहा हूँ। तो होल्स हो चुके हैं दोस्तों और इसे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। अब तो देखिए दोस्तों काफी बेहतर तरीके से फिक्स हो चुके हैं। अब चलिए आगे के टायर्स बनाते हैं। उसके लिए भी मैंने सेम दो बॉटल्स कैप ले लिए हैं, इनके भी बीच में मैं कुछ इस तरीके से होल्स कर लूंगा। यहां पर मैंने एक साइकिल का स्पोक लिया है, अब मैं इसे इसमें फिक्स कर दूंगा और इसे आगे हम फिक्स कर लेंगे। इसे मैं सुपर ग्लू की मदद से चिपका लूंगा चारों टायर्स को। दोस्तों इस कार को पावर देने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 3 वोल्ट की डीसी मोटर, जिसके साथ एक गियर अटैच है जिसको मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर दूंगा सुपर ग्लू की मदद से। दोस्तों हमारी कार लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ट्रांजिस्टर जिसका नाम है BD140, एक कैपेसिटर ले रहा हूँ 10 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड और एक IR रिसीवर ले रहा हूँ। तो जो वायरिंग कनेक्शन रहेंगे कुछ इस तरीके से आपको करने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका वायरिंग डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इनपुट के लिए आपको ये वायर्स यूज करने हैं और आउटपुट के लिए ये वायर्स रहेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ का टायर निकालता हूँ और यहाँ पे बैटरी के साथ में मैं इसे अटैच कर लेता हूँ इनपुट वोल्टेज में, और यहाँ पे आउटपुट को मैं डायरेक्टली मोटर के यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। हमारी कार बनकर पूरी तरीके से रेडी है। अब हम कोई भी एक टीवी का रिमोट कंट्रोल ले गए, जैसा कि यहाँ पे मैं एक सेट टॉप बॉक्स का रिमोट कंट्रोल ले रहा हूँ, और आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बेहतर तरीके से कार चल रही है, काफ़ी फास्ट भी है और इसका कनेक्शन भी बहुत ही बेहतर है। तो आप छोटे बच्चों को ये चीज़ बना कर दे सकते हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहो तो किसी अलग तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन जो इसमें कंपोनेंट्स लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो सेम रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका साउंड भी आप सुन सकते हो, काफ़ी बेहतर बनी है दोस्तों, फास्ट भी है और बेहतर चलती है। आप इसका साउंड सुन सकते हो दोस्तों कितनी फास्ट है ये। और यहाँ पर आप दोस्तों कोई भी रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हो, चाहे फिर वो एसी का रिमोट कंट्रोल हो या फिर सेट टॉप बॉक्स या फिर टीवी या फिर कोई और चीज का। आप किसी भी रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ वो IR बेस्ड रिसीवर या फिर IR बेस्ड ट्रांजिस्टर वाला रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज दोस्तों कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।